नमस्कार। बीसीएन के सभी दर्शकों को हमारे भविष्य दर्शन कार्यक्रम से सबको स्वागत है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि 19 तारीख अगस्त के 2024 इस साल ये महीना राखी का त्यौहार है, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा पे पड़ता है हर साल। और जैसे अपने को ये भविष्य दर्पण कार्यक्रम है, इससे हम जानेंगे कि ये राखी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसका कारण क्या है, विशेषता क्या है, और अपना कौन सा समय अपना राखी बांधने के लिए अनुकूल है अपने लिए और कौन सा अनुकूल नहीं है, इस बारे में जानेंगे। और राशियों के लिए किस प्रकार का, किस रंग का राखी अगर अच्छा रहेगा वो अगर जानेंगे हम। तो सर्वप्रथम दर्शकों देखो, अपना राखी जो त्योहार है, अपना सोमवार को यानी 19 तारीख को सोमवार को अपना राखी का त्योहार है, जिसको नारियल पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा ही बोलते हैं, राखी त्योहार बोलते हैं इसको। इसका पूर्ण नाम है रक्षाबंधन। देखिए, रक्षाबंधन यानी इस नाम में ही पूरा अपना सार छुपा हुआ। रक्षा यानी प्रोटेक्शन, यानी रक्षित, रक्षा करना, किसको हम रक्षा करना। और बंधन यानी बंधन अग्रीमेंट यानी उसको बांधना, बंधन में रहना। इसका मतलब क्या है, हम किसी को रक्षा करने का हम बाधित होते हैं, या हम बॉन्ड करते हैं, हम अग्रीमेंट करते हैं, भाई हम आपको रक्षा करते हैं। देखो, सर्वप्रथम ये जो है ना, ये रक्षाबंधन जो है, सर्वप्रथम कहा जाता है पुराणों में कि यमुना मैया ने यमराज धर्म को बहुत याद किया था। बहुत साल हो गए थे, मिले नहीं थे भाई बहन, तो बहुत याद किया था, तपस्या किया। फिर गंगा मैया को एक अपना यमुना मैया ने बोला कि उनके जो बड़े भैया है यमराज, जैसा यमुना मैया के दो बड़े भैया शनि देव और यमराज, यमराज धर्म को उन्होंने मिला नहीं था, तो यमराज धर्म महाराज को उन्होंने याद किया, तो उनको मिला नहीं हुआ, तो गंगा मैया को बोला कि प्रार्थना किया कि यम धर्म महाराज है, उनके जो बड़े भैया हैं उनको ऐसा बोले कि यमुना उनको याद कर रही है। तो उसके वो गंगा मैया ने उनको उस बात को बताने के बाद यमराज जाकर यमुना मैया से मिलते हैं। उस खुशी में यमुना मैया क्या करते हैं, यमराज धर्म यानी यम महाराज के धर्म हाथ को, कलाई को रेशम का धागा बांधती हैं कि भैया आपका ये मेरा प्यार भरा बंधन है, आपको हर साल मेरे को ये समय में आके आपको मिलना है, हर साल मैं आपको रक्षाबंधन आपकी कलाई को बांधूंगी। इस बात को बोलकर यमुना मैया ने यमराज धर्म के हाथ को, कलाई को एक रेशम का धागा बांधा, सूत्र बांधा, जिसको रक्षाबंधन बोला गया। तो बोला जाता है कि उससे प्रचलन ये चला। और एक इससे जुड़ी कहानी है जो सत्य है। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण पतंग उड़ा रहे थे, तो पतंग के डोर से भगवान कृष्ण के कलाई को चोट लग गया, उंगलियों को चोट लग गया। तो द्रौपदी, जो उनकी मुंहबोली बहन थी, जो पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी, द्रौपदी ने क्या किया, अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान कृष्ण के कलाई को और उंगली को जहां पे कटा था वहां पे बांध दिया। तो उस समय से भगवान कृष्ण बोले कि बहन, आपने जो रक्षाबंधन मेरे कलाई को बांधा, मेरे हाथ को बांधा है, वो मैं आपको वचन देता हूं, जब भी आपके ऊपर कोई कष्ट रहेगा, संकट रहेगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। जैसे कि आप सब जानते हैं द्यूत क्रीड़ा में जैसा वस्त्रहरण का प्रयोग किया गया दुशासन के द्वारा द्रौपदी का, तो द्रौपदी को साड़ी इतने दिया तो दुशासन के भुजाएं थक गए। तो उस समय पे भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का रक्षा किया, अपना वचन निभाया जो उस समय पे उन्होंने दिया था द्रौपदी को। तो दर्शकों, ये था अपना एक पौराणिक कथा है रक्षा बंधन को यानी राखी त्योहार को लेके। चलिए अब जानते हैं कि रक्षाबंधन राखी त्योहार कभी है। सोमवार को 19 तारीख अगस्त 2024 को अपना रक्षाबंधन है। इसका जो राखी बांधने का जो मुहूर्त है, ये समय थोड़ा विलंब से रहेगा, क्योंकि सवेरे 5:30 बजे से लेके दोपहर के 1:32 यानी लगभग 1:30 बजे तक, यानी लगभग 1:32 तक का भद्रा काल है। तो भद्रा काल के अंदर राखी बांधना या बंधवाना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, अनिष्टकारक होता है, कष्ट आ सकता है बांधने वाले पे भी या बंधन जो बांध लेता है उसको भी। तो दर्शकों, ये आप ध्यान में रखो कि अगर हो सके तो 1:32 के बाद ही आप राखी बंधवाना या बांधना चाहिए, तो इससे शुभता रहेगा। कैसा रहेगा, 1:33 से लेके 8:30 बजे तक का जो समय है वो अत्यंत श्रेयस्कर बांधने के लिए।
8:30 से लेकर 9:07 तक का भी बांध सकते हैं, राखी बांधने के लिए अनुकूल समय है, लेकिन उसमें भी 1:33 से लेकर रात के 8:30 तक का समय का जो समय है ये बहुत अच्छा है राखी बांधने के लिए। चलो दर्शकों अभी जानते हैं, ये हमने जान लिया, अभी जानते हैं कि किन राशि वालों को किस प्रकार का राशि बांधना चाहिए। देखिए मेष राशि के जो भाई लोग हैं उनकी बहनें उनको लाल रंग का राखी बांध दे, पीले रंग का राखी बांध दे, ऑरेंज कलर राखी बांध दे अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के जो जातक है उन वो जो वृषभ राशि के भाई लोग हैं उनकी बहन लोग उनको हरे रंग का बांध सकते हैं, नीले रंग का बांध सकते हैं, ब्लू कलर का बांध सकते हैं और ग्रीन कलर का बांध सकते हैं, अब डार्क ब्लू कलर का बांध सकते हैं राखी उनको। और मिथुन राशि वाले जो भाई लोग हैं उनके लिए बहने कौन से रंग की राशि बांध सकते हैं, हरा, गोल्डन कलर, ग्रे कलर और नीले रंग का राशि राखी बांध सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए जो राखी का रंग है वो है अपना पीला, लाल, पिंक और ब्लू कलर अच्छा है उनके लिए राखी बांधने के लिए। सिंह राशि वालों को लाल, ऑरेंज और येलो कलर और गोल्डन राखी, सिल्वर राखी ये बहुत अच्छा होता है सिंह राशि वालों को बांधने के लिए राखी। और कन्या राशि वालों के लिए जैसा हरे रंग का राखी हो गया, ग्रे कलर का राखी हो गया, सिल्वर कलर का राखी हो गया और मेटालिक जो राखी सिल्वर कलर का मेटालिक कलर के जो राखी होते हैं अगर कुछ बनता है वो हो गया, उस प्रकार के राखियां कन्या राशि वाले अच्छा रहता है। तुला राशि को लिए क्या, तुला राशि वालों के लिए कौन सी रंग की राखी अच्छी रहती है, तुला राशि वालों के लिए जैसा सोने से जड़ी हुई जैसा गोल्डन जैसा अपना आर्टिफिशियल गोल्ड आता है, आर्टिफिशियल सिल्वर आता है या फिर उसमें डायमंड आर्टिफिशियल डायमंड लगे रहते हैं खड़े वाले रहते हैं, या हरे रंग का हो गया, नीले रंग का हो गया, पिंक कलर का हो गया, ये सारी राशि तुला राशि के लिए अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों जो भाई बहन रहते हैं, जो भाई लोग रहते हैं उनके लिए कौन से रंग का राशि बांध सकते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए लाल रंग का, पीले रंग का, पिंक कलर का और अपना लाइट ब्लू कलर का राशि उनके लिए अच्छा रहता है। और धनु राशि वालों के लिए येलो, गोल्डन कलर, रेड कलर और ऑरेंज कलर की राशियां अच्छी रहती है। मकर राशि वालों के लिए पर्पल हो गया, डार्क ब्लू हो गया, लाइट ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, डार्क ग्रीन हो गया और ग्रे कलर हो गया, मेटालिक सिल्वर हो गया। कोशिश करें मकर राशि वालों के जो भाई रहते हैं उनको अगर हो सके तो येलो कलर का अगर अवॉइड करते तो अच्छा है। अगला है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए राखी कौन से रंग का अच्छा रहेगा, देखो कुंभ राशि वालों के लिए मेटालिक सिल्वर अच्छा रहेगा, येलो कलर अच्छा रहेगा, ब्लू कलर अच्छा रहेगा, ग्रीन कलर अच्छा रहेगा। और मीन राशि वालों के लिए जो अंतिम राशि है उनके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, उनके लिए पीला अच्छा रहेगा और सिल्वर अच्छा रहेगा, ब्लू अच्छा रहेगा, लाइट ब्लू अच्छा रहेगा, हो सके जितना डार्क ब्लू अवॉइड करें और लाइट ग्रीन अच्छा रहेगा, डार्क ग्रीन अवॉइड करें। और एक निवेदन है कि ब्लैक कलर का अगर राखी किसी को मिलता है तो बिल्कुल भी ब्लैक कलर का राखी बांधना अच्छा नहीं माना जाता। तो प्रिय दर्शकों ये था अपना राखी त्योहार पे छोटा सा अपना अपडेट होता है जो राखी का त्योहार है। और राखी का त्योहार इसीलिए होता है क्योंकि हम अपनी बहनों से राखी बंधवाते हैं और अपनी बहन अपनी मात अपनी छोटी बहन बड़ी बहन जो रहती है उनको हम कमिट करते हैं, उनको बाधित होते हैं कि उनके कष्ट के समय पे हम उनको रक्षा करें, उनको मानसिक हो गया, आर्थिक हो गया, शारीरिक जो भी कष्ट है उस कष्ट का निवारण करे करके सारे भाई इस दिन पे अपना बहन को वचन देते हैं। तो राखी के अंदर मैं यही बोलूंगा कि खुशियां मनाएं, भाई बहनों का रिश्ते निभाएं और मीठा खिलाएं, मीठा बनाएं और भाई बहन अपना राखी त्योहार अच्छे से बनाएं। तो दर्शकों ये था अपना भविष्य दर्पण कार्यक्रम में राखी त्योहार का मुहूर्त, राखी त्योहार क्यों मनाते हैं और कौन से राशि किस रंग का राशि है, ये अपना भविष्य दर्पण कार्यक्रम में आप लोग का ये बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए और नमस्कार।